हाँ जी दोस्तों, तुहानू भी रहिंदा इंतजार नवी अपडेट का। स्वागत करते हैं तुहाडा सब तो पहला स्टार डिजिटल पंजाब विच, जिदे विच तुसी घर बैठे वख-वख जानकारियां साडे कोल हासिल करते रहिंदे हो। जिहड़े दोस्त अज साडे यूट्यूब चैनल ते नवे आए ने, उस चैनल दे सामने लगे सबसक्राइब बटन नूं दबा लैण ते नाल ही बैल का बटन दबा लैन, तां जो हर एक वीडियो उन्हां तक साडी सब तो पहलां पहुँच सके। दोस्तों बहुत ज़्यादा सुन चाह रहा है कि जिहड़े आयुष्मान कार्ड बनाए गए सन वह हद तो ज़्यादा जिहड़े ने वह रिजैक्ट हो रहे हैं। इन्हां पिछे की कारण रहा होगा यही असी सर्च च लगे हुए सी, ते असी ये सारा कुछ असी तुहानू ऑनलाइन वैबसाइट ते चैक करके दिखा रहे हैं, ता जो तुहानू जिहड़ी दिक्कत आ रही है उहदा कोई ना कोई हल जिहड़ा है वह असी कढ सकीए। सो दोस्तों तुसी जाना SHA.Punjab गूगल क्रोम ब्राउजर अपने सर्च करना है, इत्थे दिखेगा तुहानू स्टेट हैल्थ एजेंसी पंजाब, इत्थे क्लिक करोगे तो नाल ही तुहानू स्क्रोल करके हेठ आना होगा चैक एलिजिबिलिटी। इत्थे असी एलिजिबिलिटी चैक करते सी कि साडा जिहड़ा कार्ड है वह बन सकता है या नहीं बन सकता, तो हुण असी चैक करना साडा कार्ड जिहड़ा चल रहा है या नहीं चल रहा, क्योंकि असी जिहड़ा है दूरों दूरों जाके हॉस्पिटलों च इलाज करवाउंदे आ, तो उत्थे जाके सानू की हुंदा डॉक्टर चैक करके ही दस दिंदे ने कि साडा कार्ड जिहड़ा नहीं चल सकता। सो दोस्तों मैं तो यही चाहवांगा कि तुसी अपना कार्ड जिहड़ा घर तो चैक करके जाओ तो वधिया रहोगे, क्योंकि तुहाडा टाइम भी बचेगा ते तुहानू हरासमेंट भी नहीं होगी। सो दोस्तों असी ये जिहड़ा ग्रीन दा तुसीं सर्कल देख रहे हो इत्ते क्लिक करना है, क्लिक करदे ही सानू जिहड़ा ओ ये जिहड़ा रिकॉर्ड चेक करन लई साडे कार्ड दा ਇਹ ਖੁੱਲੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ABMMSBI ਦੇ ਈ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਸੰਬੰਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਕਾਰਡ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਫਿਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਅਤੇ असी देखांगे कि इहदी स्थिति की है, ये डीएक्टिवेट है या एक्टिवेट है। असी इहदे क्लिक करांगे, तुसी देख रहे हो सिमरनजीत सिंह दे नाते एक कार्ड जिहड़ा अप्लाई होया होया, ते इह बंदा जिहड़ा रसन कार्ड होल्डर है, ते इस कार्ड की स्थिति जिहड़ी जान रहे हो तुसी एक्टिव है। जेकर तुहाडा कार्ड किसी वजह नाल डीएक्टिवेट आंदा है तो तुसीं किसी भी CSE सेंटर को जाके अपना कार्ड जिहड़ा चैक करवा सकते हो। इत्थे तुहानूं इहदा कारण भी दस्या जाएगा, जेकर तुहाडे कोई वेरीफिकेशन च कोई गलती है या कोई एड्रैस च गलती है तो इत्थे उहदा कारण तुहानूं दिखाई देवेगा। सो दोस्तों ये तुसीं जाण सकते हो, इदा असी अपने कार्ड की स्थिति जिहड़ी है वह जान सकते हैं। तो हुण गल करते हैं गलती की हुंदी है साडे तो बनाउण वेले, कई बार की हुंदा है साडे पिंडां दे नाम आपस च मिलते जुलते हुंदे ने पर उन्हां दे कोड जिहड़े ने अलग अलग हुंदे ने, तो पिंडां दे जदों असी सर्च करते हैं जदों कार्ड बनाउण वाला इह सर्च करता है कि तुहाडी ID जिहड़ी है अप्रूव है या नहीं है, तो सर्च च जाके कई बार की हुंदा अपने पिंड का नाम आ रहा हुंदा, कई बार दूजे पिंड का चक्या हुंदा, ते नाल ही वह उसे ते क्लिक करके
ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਟੇਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਭਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਰਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਡੀਐਕਟੀਵੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਬੇਸਿਕ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਠੀਕ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਟਿਆਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਸਲਿਆ ਹਸਪਤਾਲ, ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਟਿਆਲੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਕਲੀਅਰ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਭਾਵ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰਡ ਜੇਕਰ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦਿੱਕਤ ਆਉਣ ਹੀ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜਾਓ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਹਰਾਸ਼ਮੈਂਟ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਲਾਜ ਹਰ ਇੱਕ ਘਰ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਚੱਲ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਇਹ ਦਿੱਕਤ ਆਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਔਨਲਾਈਨ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਦ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਡੀਐਕਟੀਵੇਟ ਆਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਵਾ ਲਓ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਇਹ ਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਲ ਸਕੇ। ਸੋ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਅਪਡੇਟ ਲੈ ਕੇ ਜਲਦੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਰੱਬ ਰਾਖਾ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ।